तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब सबाई हो पे अच्छे होंगे मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं गाइस और ये देख सकते हैं तस्वीरें ये हैं दोहाई स्टेशन गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया और आपको बता दें यहां दोहाई तो ये लेफ्ट वाली ये चली जाती है डिपो के अंदर और ये राइट वाली है ये चली जाती है सीधी मेरठ के लिए तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं आपको बता दूँगा गाइस देख सकते हैं ये भारी भरकम ट्रेनें लगी हुई हैं और ये देख सकते हैं ये तीन पिलर थे इन पर ये कंप्लीट कर लिए गए इन पर कैप का काम बाकी रह गया है बाकी कंप्लीट हो चुका है देख सकते हैं तस्वीर दोस्तों हम चलेंगे आज दुहाई होते हुए नगर के लिए दिखाएंगे कि डेली मेरेट आर आर टी एस पे कितना कुछ काम हो चुका है। देख सकते हैं ये लॉन्चर लगा हुआ है यहां पर दोस्तों ये जहा जाता है मुरादनगर आर आर टी एस का स्टेशन देख सकते हैं दोनों तरफ ये विंग्स लगाने का काम चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में और देख सकते हैं सेटिंग लगी हुई है ये विंग्स दोनों साइड में लगाए जा रहे हैं लेफ्ट में और राइट में तो यही अभी काम चल रहा है और आगे आप लोग देखेंगे कि गाटर लॉन्चिंग का भी इस पर काम स्टार्ट हो चुका है आगे देखने के लिए मिलेगा आपको इस पर गाटर लॉन्चिंग होने लगी है थोड़ी थोड़ी और उसके बाद में फ्लोरिंग होगा फ्लोरिंग हो जाने के बाद में इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा देख सकते हैं ये गाटर लॉन्चिंग होने लगी है और इस पर फ्लोरिंग का भी काम स्टार्ट हो चुका है गाइस तस्वीर आप लोग देख सकते हैं आँखों से अपनी और ये मुरादनगर की तस्वीरें हैं मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं ये स्टार्ट हो जाता है मुरादनगर की नहर और दोनों साइड में देखिए ये पिलर कैप ये पिलर भरे जा रहे हैं दोनों साइड में कहीं कहीं ये स्ट्रक्चर ये क्या नाम है पिलर का स्ट्रक्चर है जो है इसमें रिंग लगाए जा रहे हैं देख सकते हैं ये वर्कर काम कर रहे हैं ये रिंग लगाए जा रहे हैं फिर इस पे कंक्रीट की मदद से ये भर दिया जाएगा और आपको बता दूँ क्या ट्रक पे देख सकते हैं ये जा रहा है गाटर जो कि आगे खड़ा होगा आगे आप लोगों को देखने के लिए तो इसी तरीके से ये यार्ड से लाए जाते हैं और ट्रक पर लोड होकर और ये जा रहा है मोदी नगर के लिए गाइस तो तस्वीरें देख सकते हैं ये पिलर कैप का काम चल रहा है इधर मुदा मुरादनगर की नहर पर गाइस ये मुरादनगर की नहर आ जाती है यहाँ तक स्टार्ट हो जाती है गाइस ये है मुरादनगर की नहर और मुरादनगर की नहर पर जो पिलर थे वो बिल्कुल कम्प्लीट कर दिए गए हैं और जैसे ही नहर को हम क्रॉस करते हैं वैसे ही आप लोगों को बाहरी भरकम एक लॉन्चर देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों देख सकते हैं ये अभी स्टैंड किया गया है लॉन्चर को तो देख सकते हैं अभी इसने कोई प्लर नहीं जोड़ा है बस स्टैंड किया गया है अभी ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये जाएगा नगर की साइड में जोड़ेगा तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि ये पिलर भरे जा रहे हैं बस जो थोड़े से पिलर रह गए तो वो यही रह गए हैं और यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं कि दोनों साइड में ये पिलर भरे जा रहे हैं और इन पर पिलर कैप का काम होना है इधर तो कंप्लीट हो गए हैं और वो सामने लॉन्चर लगा हुआ है वो आ रहा है मुरादनगर की साइड में यानी कि मोदी नगर से चल आ रहा है बनाता हुआ एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ता हुआ आ रहा है मुरादनगर के लिए गैस लॉन्चर आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर लॉन्चर लगा हुआ है बाकी का बायोडक्ट पूरा क्लियर हो चुका है तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए दोहाइसा और मोदी नगर के बीच में कि इस आर आर टी एस पर कितना कुछ वर्क हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के को लाइक शेयर कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा गाइस ज्यादा से ज्यादा करो मोदी नगर से पहले देख सकते हैं एक लॉन्चर ये लगा हुआ है और ये जा रहा है आपको बता दूं कि मुराद नगर से चलकर और ये मोदी नगर के लिए मोदी नगर से पहले ही ये इतना बायोडक्ट क्लियर हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर पिलर बिल्कुल कंप्लीट है बस इस पर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है इस देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है कहीं कहीं पिलर कैप का काम रह गया था उस पर पिलर कैप लगाए जा रहे हैं तस्वीर आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं देखो ये रहा पिलर कैप लगाया जा रहा है और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि कितना अभी बायोडक्ट है वो क्लियर होने के लिए बचा है जो कि लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किए जाने हैं गाइस क्योंकि बीच में इसमें पिलर भी अभी खड़े करने हैं क्योंकि बीच बीच में पिलर भी रह चुके हैं तो आज मैंने सोचा क्यों ना मोदी नगर तक क्लियर किया जाए और आपको बता दूँ कि मोदी ये क्या नाम मुराद है मुरादनगर से और आपका मेरठ के मोदीपुरम तक गाइड्स बहुत सारा काम है जो कि 2025 में ही जाके खत्म होगा उससे पहले तो नामुमकिन है तस्वीर आप लोग देख सकते हो क्यों मैंने दो महीने पहले इसका अपडेट दिया था तो तब यहाँ पर यह प्लर पिलर कैप नहीं लगे थे कहीं पिलर खड़े किए जा रहे थे कहीं पिलर कैप का काम चल रहा था कहीं पाइलिंग चल रहा था तो इसमें यही सब कंस्ट्रक्शन चल रहा था और आज देख सकते हैं कि सारे पिलर कंप्लीट हो गए बीच बीच में बचे हुए हैं वो भी भरे जा रहे हैं गैस देख सकते हैं यहाँ पर ये सेटरिंग लगी हुई है और देख सकते हैं ये रिंग्स लगा दिए गए हैं और बस इनमें अब कंक्रीट भरा जाना है और पिलर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और फिर पिलर कैप लगा दिया जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें रिंग लगाए जाने हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया जाना है पिलर का गाइस जो कि अभी नहीं हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि कितना कुछ काम बाकी है इस मोदी नगर के अंदर में और आपको बता दूं यहां तो मोदी नगर स्टार्ट हो जाता है तो पहला स्टेशन आएगा मोदीनगर का गाइस वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हैं बीच बीच में ये पिलर अभी खड़े करे जा रहे हैं क्योंकि अभी नहीं हुए हैं सबसे ज्यादा वक्त ये पिलर खड़ा करने में ही लगता बाकी का वक्त नहीं लगता और इधर इधर ये पिलर कैप का काम किया जाना है इधर पिलर कैप नहीं लगाए गए हैं अभी तक देख सकते हैं इनमें जंग भी लग चुका है तो ये पहल पिलर काफ़ी पहले ही खड़े कर दिए थे आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना आई बटन में लिंक दे दूंगा देखिए ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है इसमें रिंग लगाए जाने हैं और रिंग लगाए जाने के बाद में गाइस इसमें कंक्रीट की मदद से भर दिया जाएगा और पिलर कैप का काम फिर किया जाएगा जैसे कि ये किया जा रहा है पिलर कैप भरा जा रहा है गाइस तो अभी बीच बीच में इसमें वर्क रह गया है काफ़ी काफ़ी वर्क रह गया है इसमें तो वो भी जल्दी से कंप्लीट कर लिया जाएगा और फिर लॉन्चर द्वारा इसको एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पिलर कैप का काम चल रहा है इधर मोदीनगर के पास में ही गाइस मोदी मोदीनगर बस अब स्टार्ट होने वाला है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मोदीनगर गाइस तो देख सकते हैं ये पिलर कैब के लिए ही सेटिंग लगा हुआ है इधर सारे में पिलर कैप का काम होना है क्योंकि बस जो बार बचा है वो प्लर कैप लग जाने के बाद में से इस पर फिर एक प्लर से दूसरे प्लर को कनेक्ट कर दिया जाएगा लॉन्चर द्वारा और कनेक्ट करने के बाद में फिर इस पर लगाया जाएगा साइड का सेफ्टी बोर्ड जो पैराफिट वॉल है वो लगाए जाने हैं पैराफ लगाए जाने के बाद में फिर इस पर लगाया जाएगा इलेक्ट्रिक के खम्भे और उस पर ओवर हेड इक्ुमेंट लगाया जाएगा फिर इलेक्ट्रिक की लाइन बिछाई जाएगी और फिर इस पर आपको बता दूं कि ट्रैक स्लेब पड़ेंगे और फिर ट्रैक इस पर डाला जाएगा तब जाके काम कम्प्लीट होगा तो अभी तो कम से कम लगा लो दो साल का वक्त इसमें लगेगा ये साल तो कम्प्लीट हो चुका है तो तस्वीर आप लोग देख सकते हैं भाई क्योंकि यहाँ से ये मोदी नगर स्टार्ट हो चुका है और मोदी नगर से पहले ही देख सकते हैं ये स्टेशन आ चुका है मोदी नगर का गाँव गैस ये देख सकते हो स्टेशन पर चलो देख लेते हैं कि मोदी नगर स्टेशन का कितना कुछ काम हो चुका है आर का तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा देख सकते हैं ये सेटरिंग इन्होंने दोनों साइड में लगा दी और ये बिंक्स को स्टैंड कर रहे हैं दोनों साइड में जो बिग्स हैं वो लगाए जा रहे हैं दोनों साइड के ये बिग्स लगाए जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं गाइस देखिए सेटिंग बिठा रहे हैं और सेटिंग लगाए जाने के बाद में फिर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करेंगे ये विंग्स को निकालेंगे बाहर दोनों साइड में ताकि इनपे गाटर लॉन्चिंग हो सके गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर तो कम प्लर कंप्लीट ही हो जाता है जैसे कि आप लोगों को पता है और ऐसे ही ब्लॉग्स देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉग्स मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ गाइस तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइस मिलते